हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंकास किचन। अभी मैं जो चीज़ बनाने जा रही हूँ वो किसी भी तरह की सूखी खांसी, खांसी, बलगम और कफ को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, जिसे छील लेंगे। 20-25 तुलसी की हरी ताज़ी पत्तियाँ लेंगे। आप चाहें तो तुलसी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही 4 से 5 लौंग लेंगे और 10-15 काली मिर्च ले लेंगे। अब हम सारी काली मिर्च को एक खलबट्टे में या मॉर्टर पेस्टल में दरदरा कूट लेंगे। इस समय जो भी बीमारियां फैली हुई हैं उनकी वजह से जो भी सर्दी, जुखाम या खांसी हो रही है वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रही है। काफ़ी ज़्यादा दिनों तक लोगों को इससे समस्या हो रही है, जिसके लिए मैं ये घरेलू नुस्खा आपको बता रही हूँ। काली मिर्च अच्छी तरह से कूट लिया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम खलबट्टे में लौंग को भी अच्छी तरह से कूट लेंगे। टॉप राइट में आई बटन है, उसे प्रेस करके आप मेरी और भी काढ़े बनाने की रेसिपीज़ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। हमारी लौंग भी पिस गई है, इसे भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम एक बोल में अदरक को ग्रेट कर लेंगे ताकि उसका जूस आसानी से निकाल सकें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यह नुस्खा बिल्कुल पूरी तरह से नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और 100% लाभदायक है। वैसे तो ये एक ही दिन में अपना असर दिखाने लगता है, लेकिन अगर बहुत पुरानी खांसी, कफ या बलगम है तो हमें लगभग 3 से 5 दिनों के भीतर इसका रिज़ल्ट मिल जाता है और पूरी तरह से खांसी और कफ जो है निकल जाता है। हमने जिंजर को ग्रेट कर लिया है, अब इसका जूस निकाल लेंगे। अदरक का जूस निकाल लिया है। इसी तरह से हम तुलसी के पत्तों का भी जूस कलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमने तुलसी के पत्तों का भी जूस निकाल लिया है। साथ में ही हम शहद भी रख लेंगे। अब हम गैस पर एक बड़ा बोल या फिर भगोना गरम कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक का जूस ऐड करेंगे। अदरक का जूस गर्म हो गया है, अब इसमें तुलसी का जूस ऐड करेंगे। जूस बॉयल होने लग गया है, इसे हम स्पून से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। पीसा हुआ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और लास्ट में इसमें पीसी हुई लौंग ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अराउंड 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक दिखने लग गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक छोटे बोल में पलट लेंगे। इस हर्बल काढ़े को हमें दिन में 3 से 4 बार लेना होता है। इसे लेने के बाद लगभग आधे घंटे तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए ताकि ये अच्छा असर दिखा सके। अब इसमें शहद ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून शहद यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
खांसी और कफ को दूर करने में शहद भी मददगार होता है, इसलिए हम यहाँ पर इस काढ़े में शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ ही अदरक की जो कड़वाहट होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है और ये काढ़ा थोड़ा स्मूद हो जाएगा और गले को काटे बिना ही ये कफ को ख़त्म कर देता है। इस काढ़े को हमें एक बार में एक टेबलस्पून लेना होता है, लेकिन अगर आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून तक उन्हें दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसे पीने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है, नहीं तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। हमारा ये हर्बल काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।